जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा के खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। सावन महीना आ गया है, इस महीने में नागपंचमी भी आने वाली है और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आप कौन से उपाय करें जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है। विशेष उनके लिए यह उपाय है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं कम होंगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। क्या है काल सर्प दोष? कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष होता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो भी काल सर्प दोष होता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष भी माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो जाएं, जैसे राहु चौथे में और केतु दशम में ऐसे बन जाता है, तो काल सर्प योग कुंडली में बन जाता है। 12 तरह के काल सर्प दोष कहे गए हैं। हम आपको सभी तरह के काल सर्प दोषों की जानकारी अपनी किसी और वीडियो में आपको देंगे। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बालकाल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विवाह में विलंब, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का ना होना या संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का ना मिलना, ग्रह कलह, अकाल मृत्यु आदि भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। क्या उपाय करें नागपंचमी पर? पहला उपाय, नागपंचमी के दिन राहु और केतु के मंत्रों का जाप कराएं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम स केतुवे नमः। इन मंत्रों का जाप करवाएं, विशेष लाभ होगा। दूसरा उपाय, सर्प मंत्र या नाग गायत्री का जाप करवाएं। ओम नाग देवताय नमः, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करवाएं। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करवाएं। भैरव बाबा पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं या करें। नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देसी घी का गौमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं तथा गूगल की धूप दें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता या शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं। धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोंछा लगाएं, विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी।